हिंदू धर्म में धनतेरस के पर्व को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इस पर्व की सबसे खास मान्यता यह है कि इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का घर पर वास होता है। इसलिए दिवाली से पहले आने वाला धनतेरस का यह पर्व अपने साथ बाजार में खूब रौनक लेकर आता है। इस मौके पर सोने चांदी के साथ साथ पीतल और तांबे आदि के बर्तनों की भी खूब बिक्री होती है। वहीं गहने और बर्तनों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस के मौके पर घर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग इस त्यौहार के मौके पर कुछ ऐसी चीज़ें घर ले आते हैं जिनका उल्टा प्रभाव पड़ने लगता है और माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के मौके पर किन किन चीज़ों की खरीदारी करने से बचना चाहिए और किन चीज़ों को अपने घर में अवश्य लाना चाहिए। धनतेरस के मौके पर भूल कर भी धारदार चीज़ें जैसे कि चाकू, कैंची आदि की खरीदारी ना करें। धनतेरस का पर्व धारदार वस्तुओं को खरीदारी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इस पर्व के मौके पर लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं ना खरीदें। साथ ही स्टील आदि के बर्तनों को भी खरीदने से बचें, क्योंकि स्टील भी लोहे का ही अंश होता है और धनतेरस के मौके पर लोहा खरीदना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। धनतेरस के दिन तेल, घी आदि जैसी चीज़ें खरीदकर अपने घर पर बिल्कुल भी ना लाएं। त्यौहार के मौके पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें पहले से ही खरीद कर रख लें और धनतेरस के दिन कार, बाइक या किसी भी तरह के वाहन की खरीदारी भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वाहन लोहे इत्यादि धातुओं से बने होते हैं और धनतेरस के दिन यह वस्तु घर लाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर आप धनतेरस के मौके पर कार या फिर बाइक इत्यादि कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए पैसों का भुगतान आप पहले से ही कर दें। धनतेरस के मौके पर कांच से बनी वस्तुएं घर लेकर ना आएं और साथ ही मिट्टी से बनी वस्तुओं की खरीदारी से भी बचें, क्योंकि ये चीज़ें बेहद नाजुक होती हैं और धनतेरस के दिन इन चीज़ों का टूटना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के मौके पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये तो हमने आपको बता दिया है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि धनतेरस के मौके पर किन किन चीज़ों को यदि आप घर ले आए तो माँ लक्ष्मी आपसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी और आप पर कृपा ज़रूर बरसाएंगी। धनतेरस के मौके पर सोने या चांदी के सिक्के और गहने आदि खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप भी धनतेरस के मौके पर माँ लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो सोने या चांदी से बनी कोई भी वस्तु ज़रूर खरीदें। धनतेरस के मौके पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा खरीद कर अपने घर में स्थापित ज़रूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस पर गहने इत्यादि खरीदने के साथ साथ नए वस्त्र की खरीदारी को भी शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रहे कि इस मौके पर कोई भी काले रंग का वस्त्र ना खरीदें। धनतेरस के इस पर्व के दिन बर्तनों की खरीदारी अवश्य करें। इस मौके पर चांदी, तांबे या पीतल के बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना गया है। यह पर्व खुशहाली का पर्व माना जाता है, इसलिए इस पर्व के मौके पर बच्चों के लिए खिलौने इत्यादि भी ज़रूर खरीदें। धनतेरस के पर्व के मौके पर झाड़ू की खरीदारी अवश्य करें। इस पर्व के दिन झाड़ू खरीदना बेहद लाभकारी माना गया है और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और किन वस्तुओं को खरीद कर अपने घर अवश्य लाना चाहिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में जाते जाते जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।